किचन में बन रहा है कीमा, भुना हुआ कीमा, बड़ा लजीज, बड़ा टेस्टी। तो इसको वीडियो को पूरा देखें और इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बहुत कलरफुल और बड़ा ज़बरदस्त ये कीमा बना है। वेलकम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है सब आप ठीक ठाक होंगे। शेफ़ एंड स्टफ में आपको वेलकम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कीमा, बहुत मज़े का। तो मैंने हाफ के जी जो है वो कीमा लिया है। इसके अंदर हम 500 ml पानी डालेंगे। कीमा काफ़ी तरीके से बनता है तो मैं आपको सिखाती जाऊंगी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से कीमे जो है वो बनते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। फिर हम इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया पाउडर 2 टीस्पून। गरम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून। चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पहले मैं हल्दी डालूं, हल्दी डालेंगे हम 1/2 टीस्पून। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, नमक डालूंगी 1 टीस्पून। फिर बाद में हम चेक कर सकते हैं, अगर कम हुआ तो हम और ऐड कर सकते हैं। शुरू में ज़्यादा कभी भी नमक ना डालें, बाद में उसमें ऐड हो सकता है। 1-2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 मैंने लिए हैं टमाटर, इनको भी डाल देंगे। ये हम मिक्स कर लें। के साथ हम डालेंगे 200 ml ऑलिव ऑयल। और ये मिक्स कर दिया। इसके अंदर हम डालेंगे 3 प्याज, ये हम काट लें जी। तो ये प्याज मैंने डाल दिए 3 नॉर्मल साइज के, तो इसको हमने चढ़ा दिया। ओके सॉरी जी, मेरे से गलती होगी। 650 ग्राम जो है वो कीमा है, तकरीबन 3 पाव के करीब। तो अब ये स्लो कुकर है, इसको हम बंद कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। पकेगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, प्याज वगैरह भी हो जाएंगे। फिर हम इसको देखते हैं। आप बगैर वो स्लो कुकर, ये देशी की तरह, ये बहुत ज़्यादा इसमें वो स्टीम नहीं होती है, तो आप नॉर्मल भी देशी पे रख सकते हैं हल्की आंच पे। ये तो ये हल्की आंच पे मैंने कीमा रखा हुआ था। अब कीमे को हम चेक करते हैं। प्याज हमारे जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसका पानी जो है हमने ड्राई करना है। चूल्हे को कर देते हैं तेज। बहुत मज़े का कीमा जो बनेगा। सॉल्ट जो आपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर रेड चिली आपको कम लगे तो आप ज़्यादा डाल लें। मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप 2 टीस्पून या 1.5 टीस्पून डाल दें। लेकिन क्योंकि इसमें ग्रीन चिली हमारे यहाँ पे बहुत जो है वो तेज़ होती हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा वो स्पाइसी हो जाता है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर डाला है। तो अगर पाकिस्तान में या उधर उधर बना रहे हैं तो फिर आप 2 टीस्पून डाल लें या 1.5 टीस्पून डाल लें, क्योंकि वहाँ की मिर्चें इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, यहाँ पे ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर डाला है, और क्योंकि मैंने चिली फ्लेक्स भी डाले हैं तो ये परफेक्ट जो है वो चिली देगी। स्टेज पर 1 प्याज जो है वो मैंने और काट के रखा है। इसमें ज़्यादा प्याज हैं वो मज़े के लगते हैं। ग्रीन चिलीज मैंने काट के रखी हैं तकरीबन 7 से 8, और फिर बाद में हम डालेंगे हरा धनिया। तो इसको भी हम पकने देते हैं जब तक इसका ऑयल निकलता है। इसके लिए कीमा जो हमारा भूनना शुरू हो गया है, कि हल्का हल्का सा ऑयल जो है वो निकलने लग गया है, तो इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे। तकरीबन इसको 1/2 घंटा हो गया भूनते हुए। 15 मिनट मैंने जो है ये बंद कर दिया था, और तकरीबन 15 मिनट हो गया मुझे इसको हल्की आँच पे भूनते हुए। तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। स्टेज पे
पे ये मैंने तकरीबन 8 के करीब जो ग्रीन चिलीज ली हैं, 4 रेड है और 4 जो हैं वो ग्रीन हैं। इससे बहुत कलरफुल जो है हमारा कीमा बनेगा, इसलिए मैंने दोनों कलर की जो है वो ग्रीन चिली और रेड चिली ली हैं। तो रेड चिली पाउडर इसलिए मैंने कम डाला क्योंकि ये मैंने ग्रीन चिली डालनी थी। इसको भी अब हम भूनेंगे हल्की तेज़ आंच पे, अब इसको भूनेंगे क्योंकि ये ऑयल निकलना शुरू हो गया हुआ है। तो इसको हम तेज़ आंच पे भूनते हैं। एंड पे हम इसके अंदर डालेंगे धनिया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या स्टेप्स थे। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखिए माशाल्लाह से ऑयल निकलना शुरू हो गया, हम 2-3 मिनट इसको और भूनेंगे। इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा जो साबुत वो मैंने लिया है अदरक, ये डाल देंगे और इसको भी हम साथ भून लेंगे। देखिए इस तरह से इसको भी हम भून लेते हैं। देखो जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा जो बन रहा है। तो इसको आप अब ये भूनने तक भूनने वाला है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे, आँच को थोड़ा हल्का करते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया और इसको हम 2-3 मिनट भूनेंगे। इसे माशाल्लाह से माशाल्लाह कितना कलरफुल जो है हमारा कीमा बना है। ये जो मैंने रेड चिली डाली है और ग्रीन चिली, इससे भी बहुत कलरफुल हो गया है। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। इस स्टेज पे आप सॉल्ट जो है वो आप चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप सॉल्ट जो है वो ज़्यादा डाल लें। तो मैंने चेक किया था, मुझे सही लगा। तो आपको अगर कम लगे तो आप अंदर और ऐड कर दें। बस 1 मिनट इसको और भूनूंगी और उसके बाद हम इसको उतार देंगे। ये तो 1 मिनट हो गया, अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये तो ये देखें माशाल्लाह से कीमा हमारा कितना कलरफुल, बहुत ज़बरदस्त जो है रेडी है। इसके ऊपर हम कटा थोड़ा सा अदरक डालेंगे इस तरह से। इसके ऊपर धनिया क्रश करेंगे, बड़ी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। आप इसको जरूर बनाकर ट्राई करें। कीमा काफी किस्म के हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको दो किस्म के कीमे हैं जो सिखाऊंगी। तो इसको बनाएं, बनाकर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।